हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि एनटीटी कोर्स क्या है, कोर्स की अवधि क्या होती है, कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया क्या है, योग्यता, फीस एवं कौन से कॉलेजेस में हम लोग जो है एडमिशंस ले सकते हैं, कोर्स का सिलेबस क्या होता है एवं कोर्स करने के बाद किस किस कौन कौन से सेक्टर में क्या कैरियर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ा चीज क्या है कि एनटीटी कोर्सेज जो है आज के डेट में ज्यादा ट्रेंडिंग वे में है। बीएड डीएलएड के बाद जो है ये जूनियर कोर्सेज जो एनटीटी कोर्सेज है वो ज्यादातर ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं वन बाय वन करके कि एनटीटी कोर्स क्या है, कोर्स की अवधि कितनी होती है। सबसे पहला चीज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोर्स की अवधि के बारे में, तो हम लोग जानेंगे कि एनटीटी कोर्स का मतलब होता है एनटीटी का फुल फॉर्म नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, जो कि प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए होता है। यानी कि इसकी जो कोर्स की जो अवधि होती है वो एक या दो साल की होती है, यानी कि एक साल का भी कोर्सेज कर सकते हैं इसमें और दो साल का भी कोर्सेज इसमें कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग स्कूलों में जो है यहाँ पर आपको एक साल का और दो साल का भी जो है आपको कोर्सेज कराया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसकी प्रवेश प्रक्रिया की, तो इसमें बहुत सारे कॉलेजों में या बहुत सारे स्टेट्स में भी क्या है कि इसका जो है आपका एग्जाम एंट्रेंस लेकर के जो है इसमें एडमिशन लिया जाता है और बहुत सारे जो है आपका कॉलेजों में यानी बहुत सारे स्टेट्स में जो है डायरेक्ट एडमिशन जो है मार्क्स बेसिस पे जो है इसका एडमिशन जो है हो जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे इनकी योग्यता की, तो यहाँ पर एक साल का कोर्सेज करने के लिए जो आपकी योग्यता मांगी जाती है वो दसवीं पास होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर दो साल का अगर आप कोर्स करते हैं एनटीटी में तो आपको जो है बारहवीं पास होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ अगर इसकी हम फी की बात करेंगे तो जो अलग अलग कॉलेजों पर अलग अलग फीस जो है जो निर्धारित होती है, जो कि मिनिमम आपको 10,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम आपका 60,000 से 70,000 रुपए अलग अलग कॉलेजों के आधार पर इसकी फीस जो है वो निर्धारित होती है। अलग अलग आप स्टेट्स में भी जाएंगे देखेंगे तो वहां पर अलग अलग कॉलेजों की फी जो है वो आपकी निर्धारित होती है। साथ ही साथ बात करेंगे कोर्स की सिलेबस की, तो जैसा आपका डीएलएड में जो सिलेबस होता है सेम टू सेम उसमें थोड़ा सा जो है जूनियर लेवल का सिलेबस होता है। जैसे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, साइकोलॉजी हो गया एंड आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के प्रैक्टिकल वे में आएंगे तो आर्ट एंड क्राफ्ट, वाइवा एंड असेसमेंट जो है आपका इसमें सिलेबस जो है आ जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसमें कैरियर की, तो इसमें आपका एनटीटी कोर्स करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों जगह पर आपका जो है ये कोर्स कैरियर जो है उत्पन्न होकर के आता है। खास करके अदर स्टेट्स की बात करेंगे, मैं तो बिहार से बोल रहा हूँ लेकिन बिहार के अदर स्टेट की अगर बात करेंगे तो आप राजस्थान जैसे सेक्टर में जाएंगे तो देखेंगे हमेशा जो है यहाँ पर नर्सरी टीचर का जो है बहाली हमेशा आते रहती है। उसके साथ ही साथ जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जारी किया गया है उसके बाद से जो है आपको सारे स्कूलों में जो है नर्सरी टीचर का जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जितने भी प्राइमरी स्कूल होंगे, मिडिल स्कूल होंगे, उसमें जो है आपको जितने भी प्राइमरी स्कूल होंगे वहां पर जो है प्री प्राइमरी स्कूलों में सारे स्कूलों को कन्वर्ट होना है, जिसके तहत जो है आपको नर्सरी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी और नर्सरी टीचर की आवश्यकता के अनुसार जो है आपको नर्सरी टीचर की बहाली निकाली जाएगी। और जिस भी स्टेट में नर्सरी टीचर की बहाली निकाली गई है वो वहां पर सारे सरकारी स्कूलों को जो है प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके आधार पर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है नर्सरी टीचर की बहाली निकल करके आई है। उसी तरीका से जिस भी स्टेट में आपको जो है नर्सरी टीचर की बहाली नहीं आई है वहां पर कहीं ना कहीं जो है देखा जा सकता है कि सारे सरकारी स्कूलों को अभी तक जो है प्री प्राइमरी में कन्वर्ट नहीं किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, जिसके कारण जो है वहां पर आपको नर्सरी टीचर की बहालियां नहीं आई है, जो कि संभवतः आपको 2023-24 तक सारे नई शिक्षा नीति के तहत सारे सरकारी स्कूलों को जो है आपको प्री प्राइमरी स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जाना है। और ये कोर्सेज करने के बाद आप कितने साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी मैं बता दूं आपको कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एज ए एलिजिबिलिटी टीचर बन जाते हैं, जो कि आपका मिनिमम 3 साल से लेकर के 5 या 6 साल तक के बच्चों को आप जो है पढ़ा सकते हैं। और हम बात करेंगे इसकी कैरियर की, तो कैरियर में आपका जो है नई शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट सेक्टर में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप बड़े बड़े प्ले स्कूल में जाएंगे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है आपका टीचर ट्रेनिंग होना आवश्यक होता है, जिसके कारण से जो है आप छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है आप वहां पर नर्सरी टीचर के लिए जो है एनटीटी कोर्स करने के बाद आप उस सर्टिफिकेशन के आधार पर बड़े बड़े स्कूलों में जब बहालियां आती है प्राइवेट स्कूलों में तो वहां भी जो है आप एज अप्लाई करके जो है 10,000 से 15,000 रुपए तक की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भी इसी तरह की जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है आप जो है नोटिफिकेशन आप जो है
डिस्क्रिप्शन में जो है आप बताइए कि कौन से चीजों पर जो है हम वीडियो बनाएं, फिर आपके लिए हम नेक्स्ट में जो है उस टाइप पर हम वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।